I like the people. They're very friendly and they don't cheat. Food वगैरह वहाँ का अलग ही था, पंजाबी कल्चर था पूरा. बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत ही ज़्यादा. बस इसके आगे कुछ नहीं बोल सकते. आप हाल ही में कहाँ गए थे? अभी हाल में मैं हैदराबाद गया था. हरिद्वार और अमृतसर. आई हैड गॉन टू कोलकाता. बिहार में गए थे हम लोग, जमशेदपुर. बॉम्बे पुणे गया था. मैं तिरुपति बालाजी गया था. बड़ौदा. बड़ौदा. पुणे. भुवनेश्वर. मुंबई आई थिंक लास्ट ईयर. वहाँ पे आपको कैसा महसूस हुआ? वहाँ बहुत अच्छा लगा. I like the people. They're very friendly and they don't cheat. बहुत अच्छा महसूस हुआ. वहाँ तो होटल के नीचे गाड़ी खड़ी करी, रात को सुबह गाड़ी का आज तक नहीं मिली. बहुत अच्छे आदमी वहाँ भी. पार्टिसिपेशन में थोड़ा सा पीछे रहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. अच्छा लगा. ओके. हम जब भी कहीं जाते हैं तो एक एक्सपीरियंस करते हैं और वो एक्सपीरियंस हमारी मेमोरी बनता है. ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो पुणे का हुआ? मेरे को वहाँ का सबसे अच्छा लगा था, वहाँ पे सिग्नल नहीं तोड़ता कोई भी. रायपुर में सब तोड़ते हैं. मेरे को सबसे बेस्ट थिंग वहाँ की ये लगी, वहाँ पे ट्रैफिक का बहुत कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा वहाँ अच्छे से रूल्स फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से. यहाँ नहीं करते, मैं खुद तोड़ती हूँ, वहाँ नहीं करते. जब आप किसी नए शहर जाते हैं तो परिजनों के अलावा सबसे ज़्यादा बातचीत किससे करते हैं? बातचीत ऐसा है कि कहीं जाना है और कोई एड्रेस को अगर पूछना है तो ऑटो वाले से बेहतर कोई नहीं बता सकता. आप खुद ऑटो वाले हैं तो जब आपके पास लोग आते हैं तो क्या वो हमेशा अच्छे से रहते हैं या फिर कुछ उनका बुरा व्यवहार भी रहता है? नहीं, 100 में 95% लोगों का व्यवहार बुरा रहता है. अच्छा ही रहता है. पूरा क्या है, आदमी थोड़ा दिमाग कन्फ्यूजन रहता है, उसमें हमसे टेंशन से आदमी बोल देता है हमको कुछ भी सब, लेकिन हम उससे माइंड नहीं लेते. कुछ लोग रहते हैं जिनका बोलने का तरीका बहुत गलत रहता है. बहुत सारे लोग लिटरेट रहते हैं, अच्छी बात करते हैं. बहुत सारे लोग लिटरेट रहने के बाद भी बुरी बात करते हैं. शहर लोगों से बनता है. जैसा लोग व्यवहार करेंगे शहर वैसा ही बनेगा. जब हमने ये बात ऑटो वालों को बताई तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा. अब बाहर से लोग आते हैं, लोग जानकार भी रहते हैं, अनजान भी रहते हैं, हमसे पूछते हैं तो उनको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है, किस रूट से जाना है. ये काम तो हमारा पहला कर्तव्य है कि उसको सही रास्ता दिखाना है. और हमारा फर्स्ट काम यही रहता है कि उनसे हमारा व्यवहार बहुत अच्छा रहे. हमारा छत्तीसगढ़ का इमेज जो है आउट इधर उधर जाके कहीं ख़राब ना हो, हमारा प्रयास यही रहता है. हम लोग बहुत जवाबदारी से काम करते हैं. जो बाहर से आए हैं बुजुर्ग बीमार उमार, उनको सब हम रास्ता दिखाते हैं कि हमसे नहीं बन पड़ता, हमारे रेट में आप नहीं जा सकते, तो आप सिटी बस से जाइए या लोकल ऑटो से जाइए. कि एक लड़का मतलब बाहर से भाग के आया था और हम लोग ट्रेन जैसा आता है, हम लोग सवारी के पीछे ध्यान देते हैं. तो आया, बोला अंकल कि मैं जॉब करूँगा, कोई जॉब चाहिए. मैं बोला देखा लड़का बहुत सुंदर दिख रहा है, थोड़ा हल्का सा तोतरा टाइप का मासूम चेहरा, उससे बात किया ना चीत किया मैंने, उसको ऑटो के बाजू में बिठा ली, सवारी लेके गया सर. जितना जगह गया उसको साथ में लेके गया. उसके बाद खाली हुआ तो उससे मैं पूछा कि क्यों भागा, तो बोला फेल हो गया, मैं माँ समुद का हूँ, हाँ पापा मम्मी का डर से मतलब मैं भाग गया. तो मैं उसको समझाया, पहले तो होटल ले गया, मैं भी होटल में खाया, उसको भी खिलाया, रात भर घुमाया. तो रात भर घुमाने के बाद सर हम लोग उसको सुबह बस में बिठाए या तो ऑटो में छोड़ने जा रहे थे. वो बोला अंकल चल बात मान के वापस घर चले गया. मतलब वहाँ से फिर उनका फैमिली पूरा इधर देखने आए थे कि कौन ऐसे ऑटो वाला जो इतना अच्छा काम किया. समझ? हाँ. और पैसा उसका सब दे रहे थे, मतलब 1000-2000. मतलब सर पैसा नहीं चाहिए, आपका बच्चा हमारा बात सुन के घर वापस पहुँच गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. पैसेंजर के जैसे सामान चोरी हो जाता है, उनके पास नहीं, फैमिली रहती है, बाल बच्चे रहते हैं, उनके पास टिकट का पैसा नहीं रहता है. तो हम लोग सब ऑटो वाले 10-10, 20-20 करके कईयों बार कलेक्शन करके हम लोग आने, उनको टिकट भाड़ा खाने का खर्चा सब दिए. अनगिनत बार ऐसा आने काम किए हैं. कभी हॉस्पिटल का है, किसी का पैसा नहीं है, यहाँ तक के कभी कभी तो उन्हें ब्लड डोनेट भी करवा देते हैं. यहाँ लाखों 10 लाख का सामान भी छूट जाता है, बाइज्जत वापस करते हैं सर हम. ऐसा कोई यहाँ ये रेलवे ऑटो यूनियन में ऐसा कोई ऑटो वाला नहीं है जो मतलब राम राम जपना पराया माल अपना ऐसा करने का कोशिश ही नहीं करेगा. वो ऐसी कोई दुनिया में जगह नहीं होगी जहाँ भगवान ना हो, और ऐसी कोई दुनिया में जगह नहीं जहाँ बुराई ना हो, राक्षस ना हो. तो ठीक उसी तरह सर, लेकिन एक बात यह है कि कुछ लोग जो
कुछ संख्या होगी जो भी ऐसे लोग अपने कर्तव्य परायणता से दूर जाते हैं, जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं, सवारी से लेकर तो रास्तों में चलने वाले सारे राहगीरों से भी अगर गलत व्यवहार कोई करता है तो सबसे पहले उसको ये सोचना चाहिए कि वो अगर एक ऑटो वाला है तो अपने लिए नहीं जी रहा है, उसके साथ में और 5 जाने भी उसके साथ हैं जिसकी जिम्मेदारी उसके सर पर है। शहर जैसा भी हो बेहतर उसे लोग बनाते हैं। आइए हम सब मिलकर रायपुर की प्रगति में भागीदार बनें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।